दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां पर पहलवानों का धरना लगातार जारी। आज 21वां दिन धरने का, पहलवान अब भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, हालांकि समर्थन लगातार मिल रहा है। जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर तय हुआ था, हरियाणा कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं वो जंतर मंतर पर आ जाएंगे, अपना समर्थन इन पहलवानों को देंगे, इन खिलाड़ियों को देंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के बवाना गांव में 360 गांव की पंचायत भी आयोजित होगी। पंचायत में खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़ा। 7 महिला पहलवान हैं, जिसमें से एक नाबालिग है, और उन 7 का आरोप ये है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया है। बहुत सारे पहलवान हैं जो ये कहते हैं कि मानसिक उत्पीड़न भी किया है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं, न केवल शिकायतकर्ता के बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के भी। मामले में जांच जारी है, स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। पहलवानों के वकील तक स्टेटस रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि अब तक पुलिस ने क्या क्या किया, लेकिन बावजूद इसके पहलवान केवल एक मांग पर अड़े हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आज 21वां दिन है और आज की अपडेट यही है कि आज हरियाणा कांग्रेस के विधायक पहलवानों से मुलाकात करने, उनका समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली के बवाना में 60 गांवों के पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो महापंचायत करेंगे, एकजुट होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि पहलवानों का समर्थन कैसे करना है और कैसे पहलवानों के समर्थन में वो उतरें ताकि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बने और इन्हें न्याय जल्द से जल्द मिले। बीजेपी सांसद और WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी ही फिलहाल इन पहलवानों का एकमात्र मकसद है और इसी के साथ तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। सवाल ये भी है कि क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद पर रहते हुए नेशनल गेम्स का आयोजन अपनी ही अध्यक्षता में करवा रहे हैं, जबकि पहलवान इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ हो, उनकी गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लग रहा है? FIR दर्ज होने में 7 दिन का समय क्यों लगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और क्यों 21 दिनों से ये पहलवान जंतर मंतर पे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैं अपनी सहयोगी अनुष्का गर्ग का रुख करूंगा, जो कि इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है। रोजाना अनुष्का जंतर मंतर से हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाती हैं। अनुष्का, आज किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी तो ये तय हुआ था कि जितने हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं वो आज पहुंचेंगे, यानी कि आज हरियाणा की राजनीति की एक बहुत बड़ी उथल पुथल जंतर मंतर पर देखने को मिलने वाली है। कैसी तस्वीरें होंगी और उन तस्वीरों को अभी से उन्हें लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं, जो सुरक्षा टाइट हो रही है, उसके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल हार्दिक, आज 21वां दिन है और हम लोग लगातार जंतर मंतर पर बने हुए हैं। रोजाना की जो अपडेट्स है वो पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की कुछ ताज़ा तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जरा धरना स्थल के अंदर की तस्वीर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि अभी से ही किस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आते जाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी से ही यहाँ पर कम से कम 15 से 20 लोग जो है वो धरना स्थल के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी इनको अकोमोडेट करने के लिए जो है तैयारियां करने में जो है वो लगे हुए हैं। सुरक्षा की जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप एक बार देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाई गई है। इन बैरिकेडिंग्स को कल ही जो है बढ़ाया गया है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर आ रही है उसको यहाँ पर जो है किसी तरीके से अकोमोडेट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के जो बाउंड्रीज हैं उनको थोड़ा सा जो है एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ RRF के फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स है। जितने लोग हैं, जितनी भीड़ आ रही है, उन सब भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए जो पुलिस की जो बल है उस पर जो है ज्यादा संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कभी ना कभी हर कुछ दिनों में जो है यहाँ पर जो है कुछ प्रोमिनेंट लोग जो है वो आते रहते हैं। आज भी जो है ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो हरियाणा से MLAs हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है उसमें समर्थन देने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा पर्सन को कि यहाँ पर जो है वो आपको तस्वीरें कुछ दिखाएं। आप देख सकते हैं जितने लोग अभी जो प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आए हैं वो अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ जो है अभी से ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी यहाँ पर MLAs आ रहे हैं उनके स्वागत को लेकर के तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, पुलिस की तरफ से भी, पहलवानों की तरफ से भी और जितने समर्थक जो आए हैं उसके तरफ से भी।
अनुष्का, पहले हम देख रहे थे शुरुआती दिनों में जब ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था उसके 4-5 दिन बाद की तस्वीरें, जब पहलवान प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते थे, वो कहते थे कि एशियन गेम्स आ रहे हैं और चाहे जो हो जाए हम पहलवान तो रहेंगे, हम प्लेयर्स तो रहेंगे, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि प्लेयर्स की प्रैक्टिस जो है वो फीकी पड़ती जा रही है? और अगर ये कहा जा सकता है कि हाँ प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानी में हमें एक बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा क्या भविष्य में? बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार 21 दिन से पहलवान जो है यहाँ पर डटे हुए, कहीं ना कहीं उनके प्रैक्टिस में खलल पड़ रही है, इसकी वजह से वो रोजाना यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कि जिस तरीके से उनकी जो दिनचर्या है उसमें उनको इस बात का जो है समय नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जितने समर्थक है वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंच जाते हैं और लगातार इस तरीके से यहीं पर बने रहते हैं। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एशियन गेम्स आ रहे हैं, जो बाकी के जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक लॉस तो देखने को मिलेगा ही, मगर जितने पहलवान है वो लगातार यहाँ पर बने हुए और इस बात की जो आश्वासन है वो देते नजर आ रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से करना छोड़ेंगे नहीं, और लगातार जब भी उन्हें समय मिले, सुबह में, दिन को, रात को, वो हमेशा जब भी वक्त मिलता है तब समय निकालकर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं। अनुष्का, मुझे याद है ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब ये धरना शुरू हुआ था तो कहा था कि जैसे ही मैं कुछ कहूंगा तो सुनामी आ जाएगी, जैसे ही मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। सुनामी तो नजर नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि अब तक तो एक छींटा भी नहीं पड़ा है, उल्टा और जनता का समर्थन पहलवानों के साथ है और हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों का समर्थन पहलवानों के साथ है, लगातार इनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए विपक्षी दल जितने हैं वो सब इनके साथ आ गए हैं। इस सब के बाद अब क्या लगता है आपको कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो पक्ष है वो कमजोर होता जा रहा है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि ब्रजभूषण के पक्ष में कहीं कोई रैली हो रही हो या पहलवानों का विरोध करते हुए कोई धरना दे रहा हो। आप सिक्योरिटी भी दिखाइए पीछे की और अपना जवाब आप दे सकती हैं। बिल्कुल, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको दूसरी तरफ की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। बहरहाल मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो रही है, वो बार बार इस बात का बयान दे रहे हैं कि अगर जब वो मुंह खोलेंगे तो कहीं ना कहीं सुनामी आ सकती है, और कई बार ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं जहां पर वो ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम पहलवानों की तरफ देखें तो इनका पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है, इनको भारी संख्या में समर्थन मिल रहे हैं, ना सिर्फ राजनीतिक दलों से बल्कि आम जनता से, विपक्षी दलों से, कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन से, उनसे भी, क्रिकेटर्स से, सभी लोगों से जो है इनको समर्थन मिल रही है। और लगातार इसी तरीके से जो है ये जो क्योंकि 21 दिन हो गए हैं, पिछली बार जब यहाँ पर बैठे थे तो इस मामले में खेल मंत्रालय की तरफ से हस्तक्षेप किया गया था, ये मामला इससे पहले कि बड़ा होता इस मामले को दबा दिया गया था, कमेटी का गठन किया गया था जिनकी जांच की रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के बाद जो है जितने भी खिलाड़ी है वो मजबूरन यहाँ पर आकर 21 दिनों से बैठे हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस आस में कि कहीं ना कहीं उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। एक बार मैं आपको अंदर की एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नए पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ और बलात्कारी भगाओ। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह की जो हकीकत है उसका एक पूरा लिस्ट जारी किया गया जिसमें तमाम चीजें लिखी गई हैं, टाटा मोटर्स ने किस तरीके से जो फंडिंग की, उसकी फंडिंग के पैसे कहां गए, इन सबको लेकर के सवाल उठाया गया और कई सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्दाफाश करने के लिए जो पोस्टर्स हैं वो जो है लगाए गए हैं। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, हर पोस्टर में कहीं ना कहीं इंसाफ की बातें जो है वो सामने रखी जा रही है। कुछ पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि आगे आखिर क्यों इन आंखों की आंसू जो है वो किसी और को दिखाई नहीं दे रही है, और इसको लेकर के जो है समर्थन यहाँ पर जो है जितने भी पहलवान है उनको यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इसके अलावा कर्नाटका से भी जो लोग हैं यहाँ पर कल हमको समर्थन देने आए हुए जो थे वो भी हमको यहाँ पर मिले। उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि वो काफी दूर से यहाँ पर आए इनके समर्थन में, ये सुनने के बाद कि देश के लिए जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीते, ओलंपिक्स में खेला, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को उनके समर्थन में आना चाहिए और उनकी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। अनुष्का, सुनामी तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों से आनी थी, लेकिन जिस तरह से टाटा मोटर्स का जिक्र आप कर रही हैं, बता रही हैं कि बलात्कारी भगाओ बेटी बचाओ जैसे यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, और जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस के एमएलएज का पहुंचना, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का, पीटी उषा का यहाँ पर पहुंचना, मुझे लगता है कि जो ऊंची ऊंची लहरें हैं राजनीति की, ऊंची ऊंची लहरें हैं संघर्ष की, वो तो जंतर मंतर से उठ रही हैं। सुनामी कहाँ है ब्रजभूषण शरण सिंह की? बिल्कुल, जिस
तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो सियासी एक तरीके से पर्यटन स्थल बन चुका है, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, समर्थन देते हैं और सरकार की तरफ काफी आक्रामक रुख जो है वो देखने को मिलता है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग समर्थन में बैठे हैं, इनके ऊपर जो ये सवाल रख रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी दल के जो लोग हैं वो भी सवाल जो है सरकार के सामने रख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक अपने पद पर कायम है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कार्रवाई जो है उसमें तेजी देखने को नहीं मिल पा रही है। और ये मामला जबकि सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद जो पहलवान है यहाँ पर 21 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है अपने समर्थन में जो है कभी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक डे मनाया गया था जो ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था, करीब 14,000 से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर जितने भी पहलवान है उनको टैग किया था और इस पूरे जो प्रदर्शन है उसमें अपना समर्थन जो है वो जताया था। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पहलवान है उनका जो पक्ष है वो मजबूती से आगे बढ़ता हुआ देखने को भी मिल रहा है। अनुष्का, जैसा कि आपने कहा कि ब्रजभूषण अपने पद पर बने हुए हैं, नेशनल्स करवा रहे हैं, अगली बार जब आपसे जुड़ूंगा तो इस बारे में जरूर बात करूंगा कि क्या एकमात्र यही विकल्प है खेल मंत्रालय के पास कि जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लग रहे हों, यौन शोषण के आरोप लग रहे हों, वो ही व्यक्ति नेशनल्स आयोजित कराएगा या और भी कोई विकल्प है। इन विकल्पों पर आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।